एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अभी हूँ वडोदरा रेलवे स्टेशन पे और हम जा रहे हैं केवड़िया। मैं जा रही हूँ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 2 दिन के लिए। तो ये वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ वडोदरा टू केवड़िया की ट्रेन जर्नी। तो देखिए, आज का वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं वडोदरा रेलवे स्टेशन से। तो अभी सुबह के 5 बजे है और मेरी जो शॉर्ट ट्रिप है 2 दिन के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, वो अभी आज स्टार्ट होने वाली है। तो मैं अभी हूँ वडोदरा रेलवे स्टेशन पे। तो वडोदरा टू केवड़िया कैसे पहुँचते हैं और कौन सी मैंने ट्रेन ली है, तो यही सब मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो मेरी ट्रेन जर्नी है वही। तो वैसे तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में बहुत सारे अट्रैक्शन हैं, तो लेकिन ये मेरी 2 दिन की ही जर्नी है, शॉर्ट ट्रिप है, तो इसमें मैं कवर करने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी पहले से टिकट एडवांस में बुक कर ली है। आपको भी अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टिकट्स बुक करनी है तो आप ऑनलाइन जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट है वहाँ से बुक कर सकते हैं। तो इसमें मैं कवर करने वाली हूँ 2 दिन में जंगल सफारी, पैट जोन, व्यूइंग गैलरी, एकता क्रूज, और जो अभी रिसेंटली ही बस टूर स्टार्ट हुई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए वो कवर करने वाली हूँ, फिर ग्लो गार्डन कवर करने वाली हूँ, और जो अभी महा आरती स्टार्ट हुई है वो भी आपको बताऊँगी। तो बस ये पूरी सीरीज़ होने वाली है, 1 by 1 वीडियोस आने वाले हैं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाय एवरीवन, तो देखिए अभी हम ट्रेन में बैठ गए हैं और जो हमारी ट्रेन है 12927, तो ये जो ट्रेन है वो दादर एक्सप्रेस है, दादर केवड़िया एक्सप्रेस है। उसका अभी नाम चेंज हो गया है, उसका नाम हो गया एकता नगर। 525 को वडोदरा आ जाती है। अगर प्लान कर रहे हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए वडोदरा से, तो ये ट्रेन आप ले सकते हो, क्योंकि ये 7:25 को आपको केवड़िया पहुँचा देती है। तो अभी हम पहुंच गए हैं एकता नगर रेलवे स्टेशन। पहले ये रेलवे स्टेशन जाना जाता था केवड़िया रेलवे स्टेशन के नाम से, लेकिन अभी 1.5 महीना ही हुआ है और अभी नाम चेंज हो गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में बहुत सारे अट्रैक्शन हैं जिसका नाम एकता है। एकता नर्सरी है, फिर एकता मॉल है, एकता फूड कोर्ट है, तो फिर गवर्नमेंट ने रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज कर दिया है और रख दिया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। फ्रेंड्स अभी हम एकता नगर रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं और देखिए यहाँ पे आपको मास्क लगा के रखना है। अगर आप मास्क के बगैर आए तो आपको 500 तक पेनल्टी है, 500 रुपये। तो एकता नगर का रेलवे स्टेशन आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन मिलेगा और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है टूरिस्ट के लिए, जैसे कि ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये है वुमन्स वेटिंग रूम, कम चेंजिंग रूम। अगर आप बॉम्बे से भी आ रहे हो, ओवरनाइट जर्नी है आपकी, या फिर वडोदरा से आ रहे हो, भरूच संकलेश्वर से, कहीं से भी आपने बैठा है और अगर आपको यहाँ पर फ्रेशन अप होना है, तैयार होना है, तो जो वॉशरूम है वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। फिर वेटिंग रूम है, वहाँ पे आप रेडी होके अपना जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ के जो अट्रैक्शन है वो आप देखने के लिए डायरेक्ट जा सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी रूम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये सभी फ्री है। तो हमारी जो ट्रेन थी दादर एकता नगर एक्सप्रेस, वो डिपार्च होती है दादर से रात को 11:50 को, फिर वडोदरा आती है सुबह 5:25 को, और एग्जिट 7:25 को आपको एकता नगर उतार देती है। और जो वडोदरा से एकता नगर का जो फेयर था हमारा, वो था 96 रुपीज़ पर पर्सन। तो देखिए ये है एकता नगर का रेलवे स्टेशन, और जैसे ही ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, जो आपने बस देखी ये बस है, वो फ्री बस सर्विस है, वहाँ से रेलवे स्टेशन से आपको लेके जाएगी भारत भवन, और वहाँ से भी आपको फ्री बस सर्विस मिलती है सभी अट्रैक्शन में घूमने के लिए।
तो अगर आप देखिए डे ट्रिप भी अगर प्लान कर रहे हो वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए, तो सुबह में आप ये 5:25 वाली ट्रेन ले सकते हो, और फिर रिटर्न में भी यही दादर जाती है ये ट्रेन, लेकिन उसका जो नंबर है वो चेंज हो जाता है, और वो हो जाता है 12928 एकता नगर दादर एक्सप्रेस। तो ये ट्रेन भी आप रिटर्न के टाइम ले सकते हो, जो 9:25 को आपको एकता नगर पर बैठना है, और फिर रात को 11:25 के आसपास आपको वडोदरा उतार देती है। एकता नगर रेलवे स्टेशन फाइनली। गुड मॉर्निंग। चलो अभी हमारी कार आ गई है, तो अभी हम जाते आगे। तो हम तो वहाँ पे 2 दिन रहने वाले थे, तो मैंने पहले ही कार बुक कर ली थी, क्योंकि हमको अट्रैक्शन भी देखने थे, प्लस हमको जो नियर बाय होटल है, फिर टेंट्स है, रिसोर्ट है, वहाँ पे विज़िट भी करना था। तो अगर आपने नियर बाय कहीं पे भी स्टे लिया है, तो आपको बहुत इजीली रेलवे स्टेशन से आपको रिक्शो है, फिर टैक्सी है, वो मिल जाती है पेड सर्विस पे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सभी अट्रैक्शन हैं, वो सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये परफेक्ट ट्रेन है आपके लिए अगर आप वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्लान करते हैं तो। वैसे तो बहुत सारी ट्रेन है, 9 ट्रेन है जो वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आती है, लेकिन ये ट्रेन डेली आती है। सो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं जहाँ पे हम 2 दिन ठहरने वाले हैं, यूनिटी विलेज रिसोर्ट। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, यहाँ पे भी आप नाइट स्टे कर सकते हो। अगर आपको पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमना है, सभी अट्रैक्शन लेना है, तो आपको नाइट स्टे लेना ही पड़ेगा, तो ही आप सभी अट्रैक्शन ले सकते हो। और देखिए बहुत ही प्यारा यूनिटी विलेज रिसोर्ट है, स्विमिंग पूल है, और 36 AC कॉटेज है। मैं आपको बताती हूँ कि अभी हम ठहरे हैं ना, वो वाला है 32 नंबर। तो कॉटेज है, लेकिन लुक उसको टेंट का दिया गया है। आपको बाहर से कॉटेज टाइप लगेगा, और अंदर जैसे ही आप आओगे तो आपको टेंट लगेगा। सभी में 2 डबल बेड है, तो आप 4 शेयरिंग में भी आराम से रह सकते हो, और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये रिसोर्ट, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से नज़दीक भी है। अगर आपको फिर दोपहर में, अभी जैसे समर हो गया है, तो दोपहर में अगर आपको आना है, रेस्ट करना है, तो कर भी सकते हो। जो उसके पैकेजेस है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप चेक कर लेना। ये व्लॉग मैं यहाँ तक रखती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में अभी हम जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करने, तो वो जो भी मैं एक्सप्लोर करूँगी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो बस चैनल पे बने रहिएगा और व्लॉग्स को देखिएगा, कमेंट्स करिएगा कि कैसे बन रहे व्लॉग्स, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय, टेक केयर।